सैफ अली खान ने अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग हीरो में काम करने का मन बना लिया है। इस फिल्म में एक बार फिर दर्शकों को अजय और सैफ की दमदार केमिस्ट्री के साथ में ऑन स्क्रीन देखने को मिल सकती है। अजय देवगन के इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए पहले ही सैफ अली खान को कास्ट करने की जुगत में थे, लेकिन सीक्रेट गेम्स स्टार इस फिल्म का हिस्सा बनने से बच रहे थे। इसकी वजह फिल्म का दो हीरो होना था। इस फिल्म के लिए काफी लंबे समय से तैयारी चल रही थी, लेकिन अब फिल्म के काम ने रफ्तार पकड़ी है और जल्द ही इसके फ्लोर पर जाने की उम्मीद है। उधर फिल्म में सैफ अली खान की एंट्री को लेकर सवाल लगातार बना हुआ था, लेकिन अब खबर सामने आई कि अजय देवगन ने इस फिल्म में उन्हें लेने के लिए खुद बात की है। कल हो न हो के बाद सैफ अली खान ने मन बना लिया था कि वो भविष्य में ऐसी किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां दो लीड स्टार मेल हों और उनका किरदार कमजोर हो। इसी डर के चलते उन्होंने इस फिल्म का हिस्सा बनने से मना कर दिया था, लेकिन अब अजय देवगन ने उन्हें मना लिया है और उनकी फिल्म में एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। अगर अब इस फिल्म में सैफ शामिल हो जाते हैं तो ये अजय और सैफ की जोड़ी वाली चौथी फिल्म बन जाएगी।